नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ब्रश टूल के बारे में जाना था, आज की वीडियो में हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में जानेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ये तीन चार जो टूल्स हैं इनका काम सेम ही है एक तरह से। स्पॉट को रिमूव करना, किसी भी तरह के कोई पैचेस उसको रिमूव करना, ठीक है। तो हम इन टूल को अपने अपने हिसाब से जहाँ जैसे जिसको ठीक लगता है वो वैसे यूज़ करता है। तो आज हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि इमेज लेनी है। इमेज लेने के बाद हमने उसकी इमेज की कॉपी लेनी है। कॉपी इसलिए लेनी है ताकि हमारी ओरिजिनल जो इमेज है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमारी सेकेंड लेयर पर ही प्रॉब्लम हो, ताकि ओरिजिनल हमारी ख़राब ना हो। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपने इमेज की कॉपी लेनी है, उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल लेना है। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ जो है ऑल्ट के साथ होता है। आपने जहाँ जहाँ से स्पॉट हटाना है, आपने जहाँ साफ एरिया है उस एरिया को ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, कॉपी करके मतलब क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ आपने पेस्ट करना है, जो रिमूव करना है एरिया, वहाँ ले जाके आपने राइट क्लिक कर देना है। वहाँ से ऑल के साथ पिक करना है कलर और उधर वहाँ दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, जिससे वो पैच है या स्पॉट है किसी भी तरह का, उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे इस फोटो में हमारे पास कुछ वाटर मार्क्स थे जिसको हमने रिमूव कर दिया है इसमें, ठीक है। तो आप क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसी में जो दूसरा टूल होता है पैटर्न स्टैम्प टूल, उसमें क्या होता है, हम अपने हिसाब से कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, चाहे वो फॉन्ट का हो या किसी भी तरह के इमेजेस का हो। तो अलग अलग तरह की चीज़ों का हम इसमें पैटर्न बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।